चैनल इनके नम चैनल रेसिपी पाकपोना और नॉनवेज रेसिपी पाकपो इनके नम्बर नॉनवेज मटन इनके रेसिपी पड़पोना आटकुड़ कुमें पड़पर इतना पातरलाम अद्कारी नम चल फर्स्ट टाइम पाक मरकाम सब्सक्राइब पड़ी पक बेल क्लिक पड़ी आल आपशन सेलेक्ट पड़ो इडले वो ना ना मंज पड़ी पच तेल ना अलसी एचिके वो सुन और अंजु निषंकल इन ना मंज पड़ी उपचर आटकुड़कल इनकी ना और का किलो आटकुड़ल वो ना कुर और मूणु विसिल वेटे आटकुड़ वह तनिया कुड़ोना कुड़ पुणल आर इटकुड़ वह नान वेग वे अद्कून विपून नूत्र ऊतनिंगा रोम नल्ची कुल कु और अर स्पून कड़वल पर्पुर का स्पून सीरक अत वाय अर स्पून इंजी कुछ मट उड़ वेगल इड़ पोटाचे इतना देव उप ती ऊती और मूणु विसिल विटकल और अर स्पून मंज तूल पटको इतल वंदक ने नम्बर कुल कुमान मसाल वो वदकल इम कुल वंदी मसाल वरतकल कुल कुमान मसाल वदकान पाकल சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 வெங்காயம் தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு சின்ன தக்காளி தேங்காய் சில் 3 பட்டை 2 கிராம்பு 3 குழம்பு மிளகாய் தூள் அதாவது வீட்லயே அரைச்சது இது ஒரு 3 ஸ்பூன் இஞ்சி பூடு பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் சோம்பு மிளகு சீரகம் இப்போ வடை சட்டில ஒரு 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் एन्ना कांजिर्चे और स्पून सोम्बु और आरा स्पून मेलगु और स्पून सीरहं चिन्ना वेंगायं अड़ते पत्ते क्रांबु अड़ते तक्काली ये नल्ला वदक्के एड़कोंगे अड़ते इंजी पुड़ पेस्ट और रे स्पून इंजी पूड़ पेस्ट को कल ना वदकल इलाब मिगा तूल पटल इम कु ना वंद इतकल और पात्र तनिया नरक वचल सेत और वदक वदक गैस आफ पड़ा मसाल ना वदकियाची इन अरेस्ट वं मसाल अरेस्ट वाचे इलम वूटिवल इून एल काजी और अर स्पून कड़वल नंबर नंबर पे बैठे चलते हैं पर एंड एंड आ की रेसिपी का चिन्ना अंगाम बोलते हैं तेंगा यहाँ कनाडे पास से लगाए रहेंगे रिचे पर कारो अपलो बोलते हैं इप्पर आरा चिचर का मसाला वो बोलते हैं गटिया मसाल मसाल वो ना वद इंब मिक्सि जार मसाल कोटर अल कल तर सेतचे इधर रे निषं ना कुटो मसाल ना कुछ इंब
வேக வச்சிருக்க குடலன் சூப்பு தண்ணியோடயே இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி சூப்பில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டாச்சு, இப்போ இதை தட்டை வச்சு மூடி வச்சுருவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா குழம்பு காயட்டும் ஹை ஃப்ளேமில். இப்போ நம்ம குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். இப்போ சுவையான ஆட்டு குடல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு, வாங்க சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஸ்னால் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.